नवरात्र का मतलब क्या होता है? केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फरियाल कर लो, मोरधन चिप्स पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ, क्या केवल नवरात्र का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए। एक नारी का आदर क्या होता है? एक नारी का सम्मान क्या होता है? एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है? पिता और माता युग के निर्माता हैं, ये चार, उसमें माता पिता गुरु और राजा, जो क्षेत्र का राजा होता है, नगर का राजा होता है, वो भी युग का निर्माता होता है कि वो अपने राज्य को धारण कर किस किस तरह से व्यवहार कर रहा है। माता अपने बच्चे को क्या सिखा रहे, क्या सिखा रहे? वापिस जिस नारी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी डिलीवरी हो सकता है 8वें महीने में हो जाए, बच्चा 9 महीने तक रिस्क नहीं ले सकते, 8वें महीने में या 7वें महीने में बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तब केवल एक बेलपत्री पर रखा हुआ एक चावल का दाना नारी का हाथ का स्पर्श कराकर स्वधा माता का नाम लेकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल चढ़वा दीजिए, वो बच्चा पूर्ण तरह से 9वें महीने में ही जन्म लेगा, 8वें में नहीं, और स्वस्थ, उसकी स्वस्थता रहे। क्या नाम लेना है? नाम बोलो पहले, चमके बोलिए जगह, आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं कि आप भूल ना जाओ, फिर से बोले एक बार, स्वधा, स्वधा का स्मरण। स्त्री नारी और पुरुष, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, नारी हो पुरुष हो, ये उदर से जुड़ा हुआ हरनिया, उदर से जुड़ी हुई पत्थरी, या जो भी एक पत्र आए हैं, पत्र बहुत सारे आए हैं पर समय निकलता है इसलिए इस पत्र को हम लोग नहीं पढ़ रहे, पत्र इधर भी है बहुत सारे हैं पर, और लोगों ने लिखा बड़ा सुंदर सुंदर है, इसमें आया है कि एक बच्चे के 5 पत्थरी है और पत्थरी की गांठ पड़ गई, तो जिसने पत्र लिखा है वो स्मरण, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां, अगर उधर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है तो स्वधा का नाम स्मरण और शिवजी पे चढ़ाई गई एक दुर्वा, एक बेलपत्र या एक चावल का दाना और जल, ये बहुत फल देने वाला, बहुत स्वधा।
फिर से नाम बोलिए एक बार। सुधा, सुधा का स्थान। भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शिव का स्मरण, शिव भक्ति का एक सुख, आवाज पकड़ रहा है, शिव भक्ति का एक स्मरण जीवन में। माता पिता गुरु राजा, ये चार जो पात्र हैं, ये युग के निर्माता। देखिए दक्ष प्रजापति की दो बेटियां स्वाहा स्वधा। स्वाहा अग्निदेव को दी गई, स्वधा पितरों को दी गई। आप जब यज्ञ करते हो तो उसमें जो स्वाहा का उच्चारण करते हो वो अग्निदेव की धर्म पत्नी। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, तो आप जब स्वाहा का उच्चारण कर रहे हो, स्वाहा का जब उच्चारण कर रहे हो तो उसमें अग्निदेव की धर्म पत्नी का उच्चारण। और जब आप स्वधा का उच्चारण कर रहे हो, कौन सा उच्चारण, जम के बोलो जरा, जम के, स्वधा, स्वधा का उच्चारण कर रहे हो तो ये पितृदेव की धर्म पत्नी का उच्चारण। अब थोड़ा ध्यान देना, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस पावन पंडाल और पंडाल के बाहर जहां जहां बैठकर सुन रहे हो, ध्यान दीजिए। गर्भ में संतान रहे और गर्भस्थ यदि संतान है, उसके शरीर का निर्माण पितृ कर रहा है। और शरीर में जो जो आत्मा है, उस आत्मा के बल पर उस शरीर को स्वस्थ रखने का निर्माण स्वधा कर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा माताएं विशेष रूप से, और मेरे भाई लोग भी बहुत ध्यान से। स्वधा तप की मुद्रा में बैठी है, साधना कर रही है, आराधना कर रही है, और तभी पितरों के देव आर्यमा का आगमन हुआ। पितरों के देवता आर्यमा स्वामी वहां पर आए। जब पितरों के देवता आर्यमा स्वामी आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहां स्वधा तो भगवान के तप में लीन है, स्वधा तो भगवान की भक्ति में। अब जब स्वधा भगवान की भक्ति में लीन थी और आर्यमा स्वामी वहां से निकल कर गए, तो आर्यमा स्वामी आज निकल कर सीधे धर्मराज जी के पास पहुंचे। यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, यमराज भी कहते हैं, यम भी कहते हैं। तो आर्यमा स्वामी ने क्या देखा कि वहां पर तो यमराज तो नहीं है, पर यमराज की धर्म पत्नी धुमोर ना बैठी हुई। यमराज की तेवीस धर्म पत्नियां थी, जिसमें से एक का नाम धुमोरना था, जो यमराज की प्रिय थी। और धुमोरना जिसको हमारे यहां पर युद्ध के मैदान में जब आपस में युद्ध होता है, लड़ाई होती है एक दूसरे से, जब युद्ध होता है और युद्ध में किसी को मारा जाता है तो मारना नहीं कहते उसको, काटना नहीं कहते उसको, उसको कहते वध। धुमोरना का एक नाम वध भी। धुमोरना बेटी है और उस धुमोरना की गोदी में उसका बेटा है, यमराज का बेटा जिसका नाम है कतिला। यमराज का बेटा कतिला धुमोरना की गोद में बैठा हुआ,
यमराज की पत्नी की गोद में। आर्यमा स्वामी का आगमन हुआ। आर्यमा स्वामी ने जब धुमोरना को देखा तो प्रणाम किया, माताजी आप यहां पर हो, केवल एक निवेदन है आपसे। धुमोरना ने पूछा, बोलिए आर्यमा जी कैसे आना हुआ आर्यमा स्वामी? आर्यमा स्वामी कहते हैं, मुझे बस केवल जो स्वधा माता तप कर रही हैं, उन तप करती हुई माता के पास आपको जाना है और केवल पूछना है कि आप तप क्यों कर रही हो। तो धुमोरना ने कहा कि मैं अगर मुझे देखकर स्वधा कहीं भय तो नहीं खा जाएगी, स्वधा में कोई भय तो उत्पन्न नहीं होगा। थोड़ा ध्यान देना कथा पर विशेष, हमारे यहां पर एक प्रसंग, बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बहुत पहले से कहती आई हैं, शायद यहां पे भी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी वो जानती होंगी। 9 महीने में नारी के गर्भ में जब 9 महीने बच्चा रहता है तो कोई एक महीना ऐसा होता है जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कहती है कि नदी नाले मत नहाओ। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जी जी जी, सही है। एक महीना ऐसा होता है, वो सातवा हो कि छठा हो कि आठवा हो, जो आपके स्मरण में होगा। कई माताएं कहती हैं और बुजुर्ग माताएं कहती हैं तो बहुओं को लगता है ऐसा कोई होता है, ये तो ढोंग प्रपंच, ये तो ढकोसला होगा, ये तो ढोंग होगा। पर उसका प्रसंग, कई बहुओं ने माताओं से कहा होगा ऐसा कोई होता है क्या कि मैं मायके नहीं जाऊं और ये वाले महीना, एक महीना, 9 महीने में एक महीना मेरी माताओं के गर्भ के समय का ऐसा होता है कि जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कह देती है कि इस महीने में तुम नदी नाले मत लांघो, अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, ना कहीं जाना ना कहीं आना, डॉक्टर को दिखाने जाना हो तो चले जाओ, मना नहीं, पर नदी नाले लांघ कर मत जाना, इधर हो तो चले जाओ, बुजुर्ग माताएं कहती है। अब इन बुजुर्ग माताओं को किसने बताया ये कि नदी नाले मत नांगना? वो प्रसंग यीशु महापुराण की तर्पण, जो शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हो, वो प्रसंग यहां मिलता है कि स्वधा तप कर रही है और उसके तप करते समय वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली है और उस समय पर यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना समझाने के लिए आती है। एक महीना लगता है धुमोरना को स्वधा को समझाने के लिए, इसलिए हमारे यहाँ पर बुजुर्ग माता कहती है कि इस महीने में तो नदी नाले मत नांगना, क्योंकि यम की पत्नी आई है। जब गर्भस्थ बच्चा रहता है, जब गर्भ में संतान रहती है, गर्भ में जब औलाद रहती है, गर्भ में जब संतान रहती है, तो नारी के 9 महीने में से एक महीना ऐसा निकलता है बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा, धड़कन भी होगी, सब कुछ होगा, तुम भी अच्छे रहोगे, पर 9 महीने में एक महीना कष्ट का तो जाता ही है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि उस समय पर स्वधा के पास में धुमोरना यमराज की पत्नी आकर बैठी थी, जिस समय पर स्वधा अपने बच्चों को प्रकट कर रही थी, तब उस समय पर धुमोरना आकर विराजमान हो गई, यमराज की पत्नी आकर विराजमान। अब नई नई बहुएं तो इस बात पर विश्वास नहीं करती हैं, पर मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि बुजुर्ग माताएं कितनी विद्वान होगी पुराने समय की कि उनको शिव महापुराण की ये संवाद धुमोरना का, यमराज की पत्नी का, किसने सुना होगा? और ये बुजुर्ग माताओं को भी मालूम, इनकी सास ने और उनकी भी सास ने और उनकी भी सास ने, मतलब सनातन हिंदू धर्म कितना पुराना सनातन धर्म है, जरा विचार करिए कि आज तक चले आया। अब उसको लोग ढोंग के ले, ढकोसला के ले, चाहे कुछ के ले। अब ये तो अब यहाँ देखकर आप लोगों को कुछ शिव पुराण के, कुछ स्कंद पुराण के, कुछ पद्म पुराण के, कुछ अग्नि पुराण के, कुछ नर्मदा पुराण के कुछ उपाय यहाँ से बता दिए जाते हैं। अब उसमें लोग हमें टोटका वाला महाराज कहें, चाहे जो महाराज के, उनकी मर्जी, आग लगे बस्ती में, शिवर वाला रहे मस्ती, अपने को क्या करना उसमें, वो जो बोले बोलता रहे, जिसको जितनी पिसी हुई काली मिर्ची लगे वो लगती है, अपने कोई फर्क नहीं, अपन तो मस्त अपनी जिंदगी जियो। भगवान ने ये शरीर दिया है भजन करने के लिए, सतमार्ग बताने के लिए और अपने जीवन को भगवतमय बनाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, अपनी जिंदगी को भगवान के चरणों में कमाओ।
दुकान चलाओ, घर चलाओ, परिवार चलाओ, खूब कमाओ। एक दुकान की जगह चार दुकान करो, 25,000 की जगह 50,000 रुपए महीना कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, जितनी शरीर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। बस एक निवेदन है, कमाई खूब दिल से करो, कमाने के बाद दान भी मत करो, किसी को मत दो, पर अपने ऊपर खर्च तो करो, जोड़ जोड़ के मत मरना रे। जोड़ जोड़ के मर गए और बाद में दुनिया के लोग उसका भोग करें। इसलिए मेरा माताओं से भी निवेदन है, तुम्हारी अलमारी में जितनी जोरदार जोरदार साड़ियां रखी हैं साथ निकाल के पहन लो। मरने के बाद ऊपर याद आएगी मैंने वो पीले कलर की नहीं पहनी तो कितना जीवड़ा दुखेगा। यमराज से कहोगी, यमराज बंस मोर एक बार फिर छोड़। यमराज के चल रही कि दो चुन चल। फिर रोते रोते कहोगे मैंने वो पीली वाली तो पहनी नहीं, अभी तो उसकी चोली सिलवाई थी, उसमें पीको कर पाई थी, मैंने अपने हाथ से थाल लगाई थी, पर वो अभी मैंने पहनी नहीं है। यमराज एक बार छोड़ दे, यमराज की अब तो वो तेरी बहू पहने। इसीलिए मेरा निवेदन है दीदियों, तुमने फाल लगाई, तुमने पीको कराई, तुमने चोली सिलाई, तुमने मेहनत करी, तो पहनो भी। तुम मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा, अपनी मस्ती में जियो। दुनिया के लोग आप पर उंगली उठाते रहेंगे, अब शब्द कहते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहेंगे, और तुम घर में दो तरह की बहू होती है, एक बेचारी दिन भर टेंशन में जीती है और एक मुस्कुरा के बेफिक्र। एक घर में समझदार बहू होती है और एक बिल्कुल पागल। जो समझदार होती है उसको पूरा घर मानना पड़ता है, जीजी आई, ननंद आई, काका आया, काकी आई, बुआ आई, ये वो हो गई, उसको पूरी शादी में पूरे फंक्शन में काम संभालती रहती है। और एक होती है पगली, उसको सास होती है, हमारी बहू में तो अक्ल ही नहीं, जिसमें अक्ल नहीं वो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके मेहंदी मेहंदी बंडा बुंडू के सबसे पहले बफेट में गुलाब जामुन और रसगुल्ला खा खुआ के वो जा। उसे कोई मतलब नहीं कौन आया कौन गया, कितना बेटर, कितना भोजन, कितनी केटरिंग, उसे कोई मतलब नहीं, वो तो खा पी के और बढ़िया अपनी सहेली के साथ गप्पे मप्पे मारे। तो मौसी सासन बोलती है, देख तेरी बहू को देख कितनी गप्पे मार रही और वो बेचारी बड़ी वाली कितनी काम कर रही, क्योंकि हमारी बड़ी तो समझदार है और छोटी में तो अक्ल नहीं। अब बताओ जायदाद का हिस्सा तो दोनों को मिलेगा, तो फिर समझदार होने से फायदा कौन सा, अकल से मिलेगा तो उतना ही, जितना इसको मिला इतना इसको मिला, जितना इसको मिलेगा उतना उसको मिलेगा, तो क्या किसको रोइए, चादर तान के मस्त होकर जिंदगी जियो। 50 रुपए भी कमा रहे हो तो मस्त होकर जीना, रो कर नहीं। जब देखो जब आंख में आंसू भर कर, हमारा तो व्यापार ना चल रहा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, कीर्तन कर, मंत्र जाप कर, स्मरण कर, किसी से मत के कि ये नहीं हो रहा, शंकर जी के पास चले जा, एक लोटा जल चढ़ा, एक बेलपत्री दिल से चढ़ा, ज्यादा उनको चाहिए भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, बस दिल से भजे और कुछ। कितना पुरातन हमारा सनातन धर्म होगा, बुजुर्ग माताओं को आज तक मालूम है कि एक महीना नदी नाले मत, कितना पुरातन सनातन धर्म है। जरा विचार, अब इनको लोग समझे ना समझे, जो लोग ज्यादा VIP हो जाते हैं ना, तो वो दूसरों को ज्ञान बहुत देते हैं, पर खुद अपने ऊपर अमल कभी नहीं करते। मेरा निवेदन है थोड़ा सा, जितनी बात आप कहते हो उतना खुद पर भी अमल करना सीखो, स्वयं पर। खुद कह दिया बहुत कुछ, बखान कर दिया बहुत बहुत कह दिया, खुद पर थोड़ा सा भी लेकर नहीं आए तो वो जीवन बेकार। धुमोर ना पहुंची स्वधा के पास में, एक महीने तक धुमोरना ने स्वधा को समझाया, पूछा क्या बात है, समझ में आया, तब धुमोरना वापिस
यमराज के पास पहुंच गई। आर्य मां स्वामी फिर धूमोरना के पास आ गई। वापिस जिस नारी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी डिलीवरी हो सकता है आठवें महीने में हो जाए, बच्चा नौ महीने तक रिस्क नहीं ले सकते, आठवें महीने में या सातवें महीने में बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तब केवल एक बेलपत्री पर रखा हुआ एक चावल का दाना नारी का हाथ का स्पर्श कराकर स्वधा माता का नाम लेकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल चढ़वा दीजिए, वो बच्चा पूर्ण तरह से नवे महीने में ही जन्म लेगा, आठवें में नहीं, और स्वस्थ, उसकी स्वस्थता रहे। क्या नाम लेना है? नाम बोलो पहले, चमके बोलिए जगह। आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं कि आप भूल ना जाओ, फिर से बोले एक बार, स्वधा, स्वधा का स्मरण। स्त्री नारी और पुरुष, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, नारी हो पुरुष हो, ये उदर से जुड़ा हुआ हरनिया, उदर से जुड़ी हुई पत्री या जो भी एक पत्र आए हैं, पत्र बहुत सारे आए हैं पर समय निकलता है इसलिए उस पत्र को हम लोग नहीं पढ़ रहे, पत्र इधर भी हैं बहुत सारे हैं पर, और लोगों ने लिखा बड़ा सुंदर सुंदर है, इसमें आया है कि एक बच्चे के पांच पत्री है और पत्री की गांठ पड़ गई, तो जिसने पत्र लिखा है वो स्मरण, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां, अगर उदर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है तो स्वधा का नाम स्मरण और शिवजी पे चढ़ाई गई एक दुर्वा, एक बेलपत्र या एक चावल का दाना और जल, ये बहुत फल देने वाला, बहुत स्वधा। फिर से नाम बोलिए एक बार, स्वधा, स्वधा का महाराज। धूमोरना के पास में वापिस आर्यमा स्वामी पहुंच गए और आर्यमा स्वामी जब धूमोरना के पास पहुंचे, धूमोरना अपने बेटे कटीला को लेकर बैठी थी, कटीला आज धूमोरना कतिला को ज्ञान उपदेश दे रहे थे। जिस समय पर आर्यमा स्वामी का आगमन हुआ गलती थोड़ी सी होती है और भोगना बहुत बड़ा है। एक छोटा सा संवाद का स्मरण करें, आपको गुस्सा आया, आपको क्रोध आया, अगर आपने क्रोध पर संयम कर लिया तो ठीक है, आपने अपने क्रोध पर संयम कर लिया तो ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया, तुमने चक्कू उठाया, तलवार उठाई, बंदूक उठाई, और दो कितनी देर लगी, मात्र पांच मिनट लगे, तलवार घोंप दी, चक्कू मार दिया। अब जरा विचार करिए, आपको क्रोध आया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया और चक्कू मारने में केवल पांच मिनट लगे, दस मिनट लगे, तलवार मारने में बीस मिनट लगे, बंदूक मारने में दो मिनट पांच मिनट लगे, पर जरा विचार करिए, बंदूक की गोली तो लग गई, तलवार भी लग गई, चक्कू भी लग गया, पर भोगना कितना पड़ेगा, थोड़ी सी देर के क्रोध में दस मिनट में सारा काम हो गया, अब दस मिनट का क्रोध तुमसे पाप करा दिया, अब वो दस मिनट के पाप को दस साल बीस साल पच्चीस साल हो। बेटा
बैठे थे गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के पास में किसी ने आकर कहा, अगर कोई हमको गालियां दे तो हम क्या करें? सुन लो रे अशोक नगर वालों अच्छे से, तुम्हारे अशोक नगर में भी जरा गाली का ट्रैक बहुत सुंदर है, सर अच्छे से सुन लेना जरा। तुम्हारे यहाँ बहुत जरा जरा सी बात में इधर गुटका भरा रहता और तुरंत चालू हो जाते, तो मैं व्यास पीठ पे बैठा हूँ इसलिए बोल नहीं रहा, तुरंत यहाँ पान भरा और चालू, गुटका भरा और चालू, गाली का ट्रिक बहुत है वो, और किसी किसी को तो जानते भी नहीं तो भी बक दी है, तो है ही ऐसा बक बुका के बोझ जाए बोझ जाए बोझ जाए। अब तो दी तुमने, बोल तो दिया। गौतम बुद्ध का चरित्र कहता है, गौतम बुद्ध बाबा से पूछा गया कि कोई हमको गाली दे, कोई हमको अपशब्द कहे, कोई हमको ताना दे, कोई हमको आड़ा टेढ़ा बोले, तो हमें क्या करना चाहिए? अब आप जरा विचार करिएगा, जरा विचार करिए। हमने एक बात कही थी कल की कथा में कि पतंग और नाम जितना ऊंचा जाता है काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पतंग जितनी ऊंची जाएगी काटने वाले ढेर इकट्ठे हो जाएंगे, जान दे अभी काटता। नाम जितना ऊंचा होगा उतना काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। आप जितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे उतना पांव खींचने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति। ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, ऊंचे ऊंचे अवधे पर बैठ गए, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ गए, और वहां बैठकर भी कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको नीचे गिराने का सोचने बैठ गए। इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठने के बाद कहां पद प्रतिष्ठा नाम। गौतम बुद्ध से पूछा गया, बताओ कोई गाली दे तो क्या, कोई अपशब्द कहे तो क्या, क्या सुन लो जरा अच्छे से। गौतम बुद्ध बाबा कहते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से डाली टूट के नीचे गिर गई, तुम पेड़ का क्या बिगाड़ लोगे? सुन लो रे अशोक नगर वाले जरा अच्छे से, बहुत सावधानी से सुनना, भले तुम अगली बार मत बुलाना पर सुन तो लो दिल से, और नहीं बुलाओगे तो क्या हुआ? अशोक नगर तो हमने देख लिया, यहीं से सिरोन से होते हुए आना, तो हम तो कभी भी बगिया नहीं, हमारा तुम अच्छे से सुन लो, और अपने सांसद महोदय तो हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कथा कभी भी कह देंगे सांसद जी, कथा सांसद जी बोले मंडी है ये, उसमें क्या, उसमें कोई विशेष दिक्कत वाला कोई क्रम नहीं है, परंतु ध्यान से सुनना। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि कोई हमें गाली दे, कोई हमें अपशब्द कहे, कोई हमें ताने दे, कोई हमारे लिए आड़ा टेढ़ा बोले, हमें क्या करना है? गौतम बुद्ध ने कहा, पेड़ के नीचे से निकल रहे थे और पेड़ के नीचे से निकलते निकलते डाली टूट कर तुम्हारे ऊपर गिर गई, तो तुम क्या करोगे वो बताओ? तो उसने कहा, क्या करेंगे, डाली को एक साइड पटक के घर चले जाएंगे। तो बस गौतम बुद्ध कह रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोले तो समझ लो इसके पेड़ की डाली टूट के नीचे गिरी है, इसको कोई अपने वापिस झगड़ा करने थोड़ी ना जाएंगे, इसलिए भगवान का भजन करो और अपने घर जा, आग लगे बस्ती में और अपन रहो, उसको पकने दो, उसको आड़ा टेढ़ा बोलने दो, वो जितना बोलेगा जितना बोलेगा बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे। तुम घर में प्रैक्टिकल करके देखना, जब सांस खूब गाली दे, खूब मेरा बहुओं से निवेदन है, वो गाली दे तुम आंख में सूरमा लगा दे, पेंसिल से लाइन खींचना और फिर टप्पा भरना, फिर इधर नीली इधर कत्थई इधर मार, और भर के और बढ़िया पल्लू मल्लू में पटरी मटरी लेके और सास के साथ जाके ऐसा कर, इतने में तो सास सोचे कि गजब की आई है, गजब की है ये गुना वाली, तो गजब की गजब क्या हो गया? वो बोले बोलने दो, वो पके पकने दो, अरे वो कहे कहने दो, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। हमारी अम्मा कहती थी, कौवा के कोसने से पाड़ा नहीं मरता। तुम्हारे यहां कोई कहावत हो तो हमको लिख के भेज देना, हम कलकत्ता में बोल देंगे।
कौवा के कोसने से पाड़ा नहीं मरता, किसी के अपशब्द बोलने से, आड़ा टेढ़ा बोलने से, ताने देने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। बस इस आत्मा से किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलो, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे, मस्ती में जिंदगी जियो। हम पहले भी कहे दुख बहुत है, शंकर जी के मंदिर में जाओ प्रणाम करो, बहुत ज्यादा दुखी हो शिव मंदिर में थोड़ी स्माइल दो, शंकर जी को भी पार्वती जी बोलेगी इतना दुखी है, उसके बाद भी मंदिर में मुस्कुरा कर आती है, शंकर जी कहेंगे ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुराई है, इसलिए मैं इसको हमेशा मुस्कुराने का वर देता हूँ, ये फिर रोएगी नहीं कभी, मुस्कुरा। के पास से घुमोर ना चली गई, अपने बेटे को ज्ञान उपदेश दे रही कि थोड़ी सी देर का पाप करा और भोगना, 10-20 साल पड़ा, यही जीवन है मनुष्य का। पाप थोड़ी सी देर का होता है और भोगना ना जाने कितनी योनियों में पड़ता है, कभी पशु कभी पक्षी कभी जलचर कभी थलचर कभी वायुचर, ना जाने कितनी कितनी योनियां हमको मिलती रहे। इसलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना लानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म करते धुमोरना के पास में आर्यमा स्वामी आ गए। आर्यमा स्वामी ने धुमोरना से पूछा कि ये पितरों की धर्म पत्नी स्वधा क्या चाहती है। धुमोरना ने कहा उसके गर्भ से संतान प्रकट होने वाले हैं, तीन बेटियों का जन्म स्वधा के सम्मुख में होने वाला है और वो तीन बेटियां साधारण नहीं है पितरों। वो पितरों की तीन बेटियां साधारण नहीं है। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है, विदेश्वर संहिता में स्मरण मिलता है कि पितरों की धर्म पत्नी स्वधा के सम्मुख में तीन बेटियां प्रकट हो गई, मैना धन्या कला, तीन बेटियां बहुत सुंदर बेटियां सामने प्रकट हुई। पितरों की धर्म पत्नी स्वधा के गर्भ से ये बच्चों का जन्म नहीं हुआ, उनके सम्मुख में तप साधना और भक्ति से प्रकट, भक्ति से। जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं है, जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे को तकलीफ है, जब डॉक्टर कह दे कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहां तक कहेंगे जिनके बच्चा जन्म लेने के बाद में भी अगर माइंड से श्रवण से वाणी से शरीर से अगर बच्चा जन्म लेने के बाद भी अगर तकलीफ में है तो स्वधा का स्मरण कर देसी गाय का घी शंकर भगवान पर लेपन कर। क्या लेपन करना है? देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय का घी शिवजी पर सोमवार की अष्टमी के दिन लेपन करिए और लेपन कर उस घी को उंगली से उठाकर ले आइए। जो बच्चा दृष्टि से श्रवण से वाणी से शरीर से जन्म के बाद में तकलीफ में है और अवस्था उसकी छोटी है, अगर वो 10 साल के अंदर अंदर का है तो उस बच्चे की नाभि में वो घी थोड़ा सा कुनकुना कर
ठंडा होने के बाद उसको डालिए और बच्चे की उस घृत से नैनों के पास, श्रवण शक्ति के पास थोड़ी थोड़ी मालिश करना। सुधा माता के नाम से प्रारंभ करिए। थोड़ा दिन, दो तीन महीने कर देखिए, बच्चे में थोड़ा थोड़ा सा फल आना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे। ये कुछ नाम शिव महापुराण के कुछ नामों का स्मरण करा करो। पहला है तुम्रुका। क्या नाम है? तुम्रुका। ये गर्भस्थ धारण करने के लिए होता है। जिसको 20-20 साल, 25-25 साल तक संतान नहीं होती, उसके लिए तुम्रुका जी का नाम है। जिसने शिव महापुराण की कथा को वाचन किया है। कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, स्वधा, ऐसे कुछ नामों का स्मरण बड़ा सुंदर उसको करा करा। महाराज, तीन कन्या प्रकट हो गई, मैना, धन्या और कला। पितृलोक में आनंद छा गया, पितृलोक में आनंद ही आनंद। दक्ष प्रजापति के घर में बेटियां जन्म ली तो खूब नगाड़े, ढोल, बैंड बाजा बजाया गया, बड़ी प्रसन्नता हुई। हिमालय राज के घर में बेटी ने जन्म लिया पार्वती ने तो बड़ी प्रसन्नता हुई। जनक जी के घर में बेटी ने जन्म लिया, बड़े प्रसन्न हुए। ब्रजभानु जी के यहां राधा जी का जन्म हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। पर ये नियम किसने लगा दिया कि बेटे का जन्म होता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं और बेटी का जन्म होता है तो सास चूल्हा के पास और माँ पलंग पे रोती है कि बेटी का जन्म हो गया। शास्त्र उठाकर देखिए, पुराने समय से बेटी के जन्म पर कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, बेटी के जन्म पर कितना आनंद होता है। क्यों? क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है, इसलिए बेटी के जीवन का खुशियां मनाना चाहिए। पर ना जाने कौन ने ऐसी अकल भर दी सब में, पता नहीं कौन ने ऐसी अकल दे दी कि बेटा जन्मे तो खुशियां मनाओ, खूब लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन बड़ा बड़ा लड्डू बना के भेजो, बहू को भी खूब हरी रात खिला जापा का लड्डू, और लड़की हो जाए तो हॉस्पिटल से बच्चा जन्म लेता है और माँ जब हॉस्पिटल से आती है ना, सास उतनी देर में उसके चेहरे से मालूम पड़ जाता है, बुन्नी भी बोलेगी तो मालूम पड़ जाएगा कि लड़का हुआ कि लड़की हुई। उसके हाथ की जो डोलची होती है ना दूध की चाय की, वो केतली, वो हिलने से मालूम पड़ जाता है। जब ज्यादा हिले तो समझ लो लड़का हुआ, और जब धीमे हिले वो केतली हिलने से मालूम पड़ जाता है कि छोड़ी हुई। एकदम चुप केतली लेके चली जा रही है, फिर तो पूछो भी मत कि लड़का हुआ कि लड़की हुई, समझ केतली नहीं। जब केतली ज्यादा हिले तो समझ लो कि लड़का। ऐसा होता भी है, कई कई लोग अच्छे अच्छे पद पर रहते हैं ना, बहुत, कोई कोई डॉक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई टीआई है, कोई मंत्री है, कोई बड़े बड़े पद पर जो लोग रहते हैं, कोई सांसद, कोई विधायक, बहुत मिनिस्टर, ये जो बड़े पद पर रहते हैं ना, ये इनके भीतर बहुत नम्रता रहती है, ये निश्चित है। ये इतने गुस्से या क्रोध या ये चीज नहीं, पर तो इनके जो साथ में रहते हैं ना, जो इनके असिस्टेंट, वो कहते हैं ना, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। दिक्कत यही आता है। वो बेचारा एसपी साहब को कह रहे हैं, कोई बात नहीं, निकलने दो, नहीं सीटी बजा, कह रहा है एसपी साहब, कह रहे कलेक्टर साहब, कह रहे टीआई साहब, कह रहे क्या कर रहा है,
तू तो रोक। वो खेल है, बेचारे मिनिस्टर, मंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर, जो बड़े बड़े औहदे पर बैठे रहते हैं, वो भी हृदय रखते हैं, दिल रखते हैं, नम्रता रखते हैं। ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई सांसद या विधायक या कोई कलेक्टर या एसपी या डीएसपी या साधारण पीआई, ऐसा कोई नहीं जिसका दिल नहीं, वो भी नम्रता रखते हैं। पर वो तो के भी रहते, चलेगा चलने दो, थोड़ा बहुत कोई बात नहीं। पर दिक्कत तो चाय से दिक्कत नहीं है, चिंता केतली उसका का। कई कई बेचारे महाराजों भी ऐसे रहते हैं, जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, कथाकार होते हैं, बड़े बड़े मठाधीश पीठाधीश बेचारे अच्छे रहते हैं, पर इनकी भी केतली गड़बड़ हो जाती है। सुन लेती नाना केतली कभी कभी मारो, पूरे पूरे आनंद के साथ खुशियां मनाई जा रही है। निवेदन करूंगा अशोक नगर की धरा से, बेटा जन्म ले जितनी खुशी आपको होती है, बेटी के जन्म पर वही खुशी दुगनी होना चाहिए कि बेटी ने जन्म। दो फूल को तार रही हैं मेरी बेटियां, दो फूल को। बहुत इनको जब मेहनत करते हुए देखते हैं, घर परिवार ऑफिस सब जगह पर जब मेहनत, एक साधारण सी बात है, पति ऑफिस से आता है और पत्नी ऑफिस से आती है, पति ऑफिस से आया, पत्नी भी ऑफिस से आई, दोनों नौकरी कर रहे हैं। पति ऑफिस से आया, बैग रखा, सोफे पे पड़ा, बैठा, आवाज लगाई, पानी लाओ, बैठा है, रिमोट उठाया, टीवी चालू कर लिया, देखता रहा, टेबल पे खाना चाहिए, टेबल पर सामान चाहिए, बैठा है, आराम से जूते खोल रहा है, चप्पल पहन रहा है, कपड़े बदल रहा है, सब आते से ही ऑफिस से आया और इसको खाने का सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जितना तू थककर ऑफिस से आया है, उतना ही थककर वो भी तो ऑफिस से आई है, उसका भी तो स्मरण कर। नहीं, हाथ में चाहिए, चाय बना रही हो क्या, चाय लिया हो, पानी रख दो, मैं आ रहा हूं, मेरे कपड़े रख दो, जरा सोचो जितनी मेहनत तुम कर रहे हो उतनी मेहनत वो कर रही है। तुम अगर दुकान पर जाकर थक जाते हो तो वो घर में काम कर थक जाती है, तुम अगर ऑफिस में थक रहे हो तो वो भी ऑफिस में थक रही है। इसके बाद भी नारी के चेहरे पर सल नहीं आता, आते से अपने बच्चों को गोदी में लेती है, आते से बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं खाया, शाम का खाना बनाना है, तैयारी में लग जाती है। वो मेरे भारत की नारी है, साधारण नहीं, वो भारत की बेटियां हैं। ऑफिस से आती है, उसके बाद खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाती, पति को खिलाती है, रिश्तेदार को खिलाती है, ऑफिस जाएगी तो खाना बनाकर जाएगी, सब काम करके बर्तन सोर के रखकर सब काम करकर फिर जाती है। ये मेरे भारत की बेटियां हैं, विदेश की नहीं। विदेश की बेटी का तो एक, विदेश की एक माता का पति मर गया, कब्र में पति को दफना दिया और वो पत्नी पति की कब्र पे पंखा कर रही थी। भारत का एक संत गया, उसने जाकर देखा कि हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो हमारे भारत की माता से भी बड़ी हैं। पति मर गया तो उसकी कब्र पे पंखा कर रही है। संत ने जाकर पूछा, रीजी जी तुम्हारा पति मर गया, तुम पंखा क्यों कर रही हो? उसने कहा, हमारे अमेरिका का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए सुखा सुखा। ये भारत की माँ है, ये भारत की माता है, ये गौरव है भारत की माताओं का, गौरव सुख है भारत की आनंद। महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ कबौ चूके ना, कबौ चूके ना,
कबौ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गोरापति कबौ चूके ना कोई तेरा काम रे, दोनों हाथों से दुखे काटो मार ओ मोरा सब दुख काटो सुधा की। यहाँ पर बहुत पितृ लोक में उस सहामना शिव महापुराण की कथा कहती है, मैना धन्या कला का जन्म हुआ। ये तीनों बेटियां थोड़ी बड़ी हुई और इनके मन में आया कि हमें बैकुंठ दर्शन के लिए जाना। बैकुंठ दर्शन करने का मन में भाव जागृत हो गया और बैकुंठ दर्शन के लिए तीनों चल गए। जब मैना धन्या कला तीनों बैकुंठ के दर्शन के लिए गई तो बीच में संकादि ऋषियों ने इनको श्राप श्राप देने का कारण क्या था? केवल संकादि ऋषि बैठे हुए थे, तब तब साधना में आराधना में बैठे थे। मैना धन्या कला तीनों पितरों की बेटियां निकली, इनके लहंगे जो शरीर पर चुनरी थी, लहंगा था उसकी जो ओट जामर झुमका था वो संकादि ऋषियों को लग गया, तो उन्होंने श्राप दिया कि ये मैना धन्या कला इन तीनों को मैं श्राप देता हूं कि पितृ लोक को छोड़कर ये मृत्यु लोक में जाएंगी और मृत्यु लोक में रहेंगे। तीनों की आंखों में जल भर गया, छोटी छोटी थी। अब बचपन में गलती हो जाती है तो संत महात्मा गुरुजन को क्षमा करना चाहिए, पर संकादि ऋषियों ने क्षमा नहीं कर। एक बड़ा सुंदर हमारे यहां पर भाव कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटे को उत्पात। जितने बड़े औहदे पर बैठते चले जाओ, जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठते चले जाओ, जितने ऊंचे पद पर बैठते चले जाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है उतना क्षमा करना सीख। किसी की गलतियों को ज्यादा नहीं देखना, किसी के लिए अपशब्द ज्यादा नहीं कहना, जितना बन सके क्षमा करते हुए चल। तीनों ने चरण पकड़ लिए संतों के, गुरुवर हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हुई, हमसे अपशब्द निकल गए, हमारे कपड़ों से आपको चोट लग गई है, क्षमा। संकादि ऋषियों ने कहा श्राप लगा है मृत्यु लोक में तो जाना पड़ेगा, पर हमारा वर है मृत्यु लोक में जाकर तुम तीनों की गोद में तीन देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी, जगत का उद्धार करने के लिए ये तीन देवियां आपकी गोदी में खेलेंगी। मैना धन्या कला तीनों पृथ्वी पर आ गई। मैना की गोद में माता पार्वती जी खेली हैं, धन्या सुनैना जी बनी हैं जिनकी गोद में माता जानकी जी खेली हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये तीन देवियां तीन गोदी में खेली हैं, आनंद समाहित हुआ है, चारों तरफ इन तीन देवियों का स्मरण हुआ है। कल की कथा में पितरों ने माता पार्वती को कौन सा स्थान दिया और पितरों ने राधा जी को कौन सा स्थान दिया, पितरों ने जानकी जी को कौन सा स्थान दिया और इन तीनों का गुणगान कैसे करना चाहिए वो कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज पंचम दिवस की कथा यहाँ विराम हो रही है। श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि, श्री गणेश जी महाराज अशोक सुंदरी के साथ पधार रहे हैं बड़े आनंद के साथ में। ताली बजाकर गणेश जी का स्वागत करिए। कार्तिकेय और अशोक सुंदरी के साथ गणेश जी आ गए। मेहमान मेहमान